हाय फ्रेंड्स, अगर आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है तो आपको पहले वो कौन से तीन काम करने चाहिए जिससे कि वो तुरंत खाने लग जाए। अब बहुत सारे भाइयों को मैं बार बार समझाता हूँ, उसके बावजूद जब भी उनका कॉल आता है यही बात कि सर खाना नहीं खा रहा है, क्या करें। तो देखिए, जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनको आप पहले कवर कीजिए। बेसिक चीज़ों को अगर आप पहले कवर कर लेंगे तो भाई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। और आज के इस वीडियो में मैं तीन ऐसी बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसमें से तीसरी जो अचूक है, यानी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, खाना शुरू करेगा ही करेगा, ये तयशुदा बात है। तो इनको आज के बाद आप अपने दिमाग में फिट कर लेना। जो भी भाई मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर उनका डॉग, उनका पप्पी अगर खाना नहीं खा रहा है तो भाई ये तीन बेसिक काम है जो आपको करने ही पड़ेंगे। दो नॉर्मल है और एक अच्छे वाला है, तो प्लीज़ आप तीनों कर लीजिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और डॉग जो है वो फिर से खाना खाने लग जाएगा। तो पहला जो काम है वो सभी आप भी जानते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, डिवॉर्मिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट के कीड़े की दवा जब तक आप नहीं देंगे तो वो नहीं खाएगा। कई भाई कहते हैं सर पिछले दिनों दी थी फिर भी नहीं खा रहा। अरे भाई, दवा दी कौन सी थी? तो डिवॉर्मिंग करनी है, वो भी बेस्ट डिवॉर्मिंग करनी है। बेस्ट डिवॉर्मिंग के बहुत सारे तरीके जो है वो हमने बता रखे हैं, तो भाई डिवॉर्मिंग कीजिए और वो भी बेस्ट डिवॉर्मिंग कीजिए। नंबर वन जो थिंग है वो यही है कि आप डिवॉर्मिंग करें और डिवॉर्मिंग में भी बेस्ट डिवॉर्मिंग करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। बेस्ट डिवॉर्मिंग का मतलब कोई अच्छी सी अच्छे ब्रांड की दवा आप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो पिछली बार दवा दी थी वो नहीं दे करके अलग दवा यूज़ करें, वही होगी बेस्ट डिवॉर्मिंग। सेकंड, यहाँ पर डिवॉर्मिंग के बाद एक सिरप का नाम आता है और वो है लीवर टॉनिक। कोई सा भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक आप ले लीजिए और अपने डॉग को पर डे 1 ml 4 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप देते रहें। 1 ml प्रति 4 kg बॉडी वेट, जैसे हिमालय कंपनी का लीव 52 आता है, विर्वेक का ब्रोटोन आता है, और भी बहुत सारी है जिनका आता है, लेकिन हमें वही यूज़ करना है जो विशेष तौर से पेट्स के लिए हो, जैसे लीव 52 पेट, तो वो आप यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये दोनों स्टेप आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, तभी भाई रिजल्ट मिलेगा। अब इन दोनों स्टेप के बाद में प्रमुख जो स्टेप आपको लेना है, जो मेरा फेवरेट है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसे इस्तेमाल जिसने भी किया, उनका डॉग, उनका पप्पी बिल्कुल खाने पीने लग गया, और वो है एक टेबलेट जो कि निमोसलाइड साल्ट की आती है, जिसका नाम है नाइस। भाई ये वास्तव में नाम नाइस तो काम भी नाइस, मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, मैंने आपको बताया है, सभी को मैं रिकमेंड करता हूँ, और आप भी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से इसे इस्तेमाल करेंगे। भाई ऐसे नहीं इस्तेमाल करेंगे कि ले आए या दे दिया, नहीं, पशु चिकित्सक की सलाह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबलेट का नाम है नाइस। कैसे देनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो टैबलेट है नाइस, ये 100 mg की आती है, जो 100 mg की जो टैबलेट है वो हम 30 kg से ऊपर के जो है, 30 kg से ऊपर जितने भी डॉग्स हैं उनको हम एक दे सकते हैं, 15 kg वाले को आधी दे सकते हैं, 7.5 वाले को 1/4 दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ी सी डोज इसकी पशु चिकित्सक की सलाह से बढ़ा भी सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा। इसे आप दीजिए, देना कैसे है, पानी में मिला करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खाने में मिला करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो भाई चाय बना करके, यानी हम जैसी चाय पीते हैं ना, कम मीठी चाय बना करके उसमें मिला करके दे दीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है चाय में। लेकिन चाय ज़्यादा नहीं देनी है, बस एक दो टाइम ही देनी है, ये टेबलेट भी ज़्यादा नहीं देनी है, लास्ट एक टाइम या दो टाइम आप दे दीजिए, जितने में आपका डॉग खाने पीने लग जाएगा। लेकिन पहले जो मैंने दोनों बेसिक काम आपको बताए हैं वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।